दोस्तों, एयरप्लेन और एरोप्लेन में क्या फर्क होता है? बिस्किट और कुकी में क्या डिफरेंस होता है? इसी तरह के और बहुत से वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं डिफरेंट इंग्लिश प्रोग्राम्स में, या फिर जब डिफरेंट देशों के लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो वो एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज के ifactner.com के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि एक ही आप कह लें कि वर्ड को, एक ही शब्द को, एक ही लफ्ज को, एक ही आइटम को यूज़ करने के लिए, बताने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो आज का ट्यूटोरियल है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के डिफरेंस के बारे में। इसमें हम स्पेलिंग डिफरेंस भी जानेंगे और डिफरेंट वर्ड्स को भी जानेंगे। इस तरह हम ऑलमोस्ट 70 ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स को कवर करेंगे, जिनके ज़रिए हम देख सकेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क क्या क्या है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है जी एयरप्लेन। अमेरिकन इंग्लिश में हम यूजुअली यूज़ करते हैं एयरप्लेन, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन। इनका मीनिंग होता है हवाई जहाज़, वो मशीन जो हवा में उड़ती है, जहाज़। तो अमेरिकन इंग्लिश एयरप्लेन, ब्रिटिश इंग्लिश एरोप्लेन, मीनिंग हवाई जहाज़। दूसरा वर्ड है जी अपार्टमेंट। अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट को कहते हैं। जैसा हम हिंदी और उर्दू में कभी कहते हैं कि यार मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ या फिर मैं फ्लैट में रहता हूँ, इनका मीनिंग एक ही होता है कि बिल्डिंग के अंदर जो आपका एक हिस्सा होता है उसको हम अपार्टमेंट या फ्लैट कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश अपार्टमेंट, ब्रिटिश इंग्लिश फ्लैट, मीनिंग अपार्टमेंट या फ्लैट। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में जिस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हों, अपार्टमेंट्स हों, उसको अपार्टमेंट बिल्डिंग कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को हम ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स कहते हैं कि मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, बी ब्लॉक में रहता हूँ, सुना होगा आपने, या फिर मैं इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ। तो आजकल यह है कि इंटरनेशनली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं और डिफरेंट न्यूज़ सुनते हैं, तो इसलिए हम इंटरचेंजेबली इनको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इन वर्ड्स की लिस्ट को देख रहे हैं, मीनिंग को समझ रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश में अपोलोजाइज जेड से लिखा जाता है, अपोलोजाइज, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में अपोलोजाइज एस से लिखा जाता है। ये भी एक मेन डिफरेंस है कि ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में जेड से वर्ड्स ख़त्म होते हैं, जेड ई से, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में एस ई से ख़त्म होते हैं। और अपोलोजाइज का मीनिंग होता है माफ़ी मांगना, माफ़ करना, क्षमा चाहना। अपोलोजाइज जेड से, अपोलोजाइज एस से, मीनिंग क्षमा चाहना, माजरत। इसी तरह हम कहते हैं यार मैंने एटीएम से पैसे निकालने हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में एटीएम, उसी एटीएम मशीन को कहते हैं, ऑटोमेटेड मशीन को कहते हैं जिससे हम पैसे निकालते हैं। और जब आप इंग्लैंड जाएंगे, यूके जाते हैं, तो वहाँ पे इसी चीज़ को कैश पॉइंट कहा जाता है कि वो पॉइंट जहाँ से कैश निकलता है। अमेरिकन इंग्लिश एटीएम, ब्रिटिश इंग्लिश कैश पॉइंट। इसी तरह जिस छोटी सी गाड़ी में बच्चे को डाल के हम पुश करते हैं, जिसे हम आमतौर पे पुश चेयर भी कहते हैं, तो उसको अमेरिकन इंग्लिश में हम
बेबी कैरेज या स्ट्रॉलर कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसे प्रैम कहा जाता है, यानी कि बच्चे की धक्का देने वाली गाड़ी। बेबी कैरेज या स्ट्रॉलर अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में प्रैम। इसी तरह जो हम आलू को भून लेते हैं उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं बेक्ड पटैटो, यानी कि बेक हुआ हुआ पटैटो। और वही चीज़ जब हम यूके में कहेंगे उसे कहेंगे जैकेट पटैटो, बेक्ड पटैटो, जैकेट पटैटो। कैंडी गोली, जो टॉफियाँ गोलियाँ बच्चे खाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहेंगे कैंडी। और उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं स्वीट्स, कैंडी, स्वीट्स। इसी तरह आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अमेरिका में या अमेरिकन इंग्लिश में उसको आमतौर पे कहते हैं सेल फोन, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फोन्स, सेल फोन, मोबाइल फोन्स। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में जो हम बैंक के अंदर चेक काटते हैं उसको CHECK, चेक लिखते हैं, जिसके ज़रिए हम पैसे निकाल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। वही चीज़ हम ब्रिटिश इंग्लिश में CHEQUE करके लिखते हैं, चेक। ठीक है जी, तो चेक, CHECK, चेक अमेरिकन इंग्लिश में, CHEQUE, चेक ब्रिटिश इंग्लिश में। इसी तरह अलमारी को अमेरिकन इंग्लिश में क्लोज़ेट कहते हैं, क्लोज़ेट। और वही चीज़ ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहलाएगी, वार्डरोब, यानी के आपके रोब रखने की जगह, आपके कपड़े रखने का वार्ड, क्लोज़ेट अमेरिकन इंग्लिश, वार्डरोब ब्रिटिश इंग्लिश। और हिंदी और उर्दू में हम इसको अलमारी कहते हैं, और कई दफ़ा ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको अलमीरा कह के भी यूज़ करते हैं। COLOR, कलर, रंग को कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसके स्पेलिंग है COLOUR। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखें कि कई दफ़ा वर्ड्स के आखिर में ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश इंग्लिश में हम यू ज़रूर ऐड करते हैं, जिससे यहाँ पे कलर, कलर। अब कई दफ़ा आपने लोगों को सुना होगा कि यार बिस्कुट खिलाएं यार, या फिर यार बिस्किट तो देना, या फिर कई दफ़ा हम यूज़ करते हैं कि यार कुकीज़ ले आना, क्रैकर दे दो। तो बिस्किट को या बिस्कुट को ही हम अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर कहते हैं कुकी, क्रैकर, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं बिस्किट, कुकी, क्रैकर अमेरिकन इंग्लिश में, बिस्किट ब्रिटिश इंग्लिश में। इसी तरह मकई को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, छल्ली जो होती है, और उसी चीज़ को हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं मेज, कॉर्न वर्सेस मेज। इसी तरह जिस तीली के सामने रुई लगी होती है उसे हम कान शान साफ करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहा जाता है कॉटन स्वैब, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं कॉटन बड। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम अपने आम तौर पे जब हम बोलते हैं कि कॉटन बड देना, ये इस तरह की चीज़, वो हम ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं अपने देशों में, अपने मुल्कों में। वो इसीलिए है कि हमारे जो देश हैं, मुल्क हैं, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉलो किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश बहुत से मूवीज़ की वजह से बहुत आम हो गई है, यूट्यूब की वजह से बहुत आम हो गई है, तो इसलिए आपने कॉटन स्वैब का नाम भी सुना होगा। तो कॉटन स्वैब अमेरिकन इंग्लिश,
कॉटन बर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। तो गाइज एंड गर्ल्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे कुछ बाद में सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर facebook.com/ifactner पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह एक जो चॉकलेट होती है वो मिल्क चॉकलेट होती है, जो हम आमतौर पे खाते हैं मीठी, लेकिन एक चॉकलेट होती है जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो अमेरिकन इंग्लिश में उसमें कोको पाउडर 80% 70% तक होता है, तो उसको अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं डार्क चॉकलेट, ठीक है जी। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहेंगे प्लेन चॉकलेट। डार्क चॉकलेट अमेरिकन इंग्लिश, प्लेन चॉकलेट ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह जो बच्चे का डायपर होता है उसको अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायपर। ब्रिटिश इंग्लिश में नैपी। डायपर नैपी मीनिंग डायपर। इसी तरह जिस दुकान से हम दवाइयां लेते हैं उसको अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे ड्रग स्टोर या फार्मेसी, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को कहते हैं केमिस्ट, या हम इंटरचेंजेबली भी इनको यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं यार केमिस्ट की दुकान से ये ले आना, फार्मेसी से ये ले आना, ठीक है जी। तो अमेरिकन इंग्लिश ड्रग स्टोर या फार्मेसी, ब्रिटिश इंग्लिश केमिस्ट मीनिंग वो दुकान जहाँ से दवाएं मिलती हैं। इसी तरह बैंगन को अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे एग प्लांट, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑबरजीन। एग प्लांट ऑबरजीन मीनिंग बैंगन। इसी तरह जो लिफ्ट होती है जिसके ज़रिए हम ऊपर नीचे आते हैं बिल्डिंग्स में, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिवेटर, एलिवेटर ब्रिटिश इंग्लिश लिफ्ट, लिफ्ट एलिवेटर लिफ्ट, वो लिफ्ट जिससे हम ऊपर नीचे आते हैं। इसी तरह रबर जिससे हम पेंसिल से कुछ लिखे और उसको मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे अरेज़र, अरेज करने वाली चीज़, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में रबर, अरेज़र रबर, रबर को कहते हैं। टॉर्च लाइट जिसे हम रात को रोशनी करके देखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च, या टॉर्च तो दें टॉर्च। तो आपने देखा होगा कि हम आम अपने जो बोलचाल होती है डेली की स्पीकिंग होती है हिंदी और उर्दू में, हम उसमें बहुत से ब्रिटिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसा टॉर्च फ्लैशलाइट, टॉर्च। इसी तरह जो आलू के चिप्स बनते हैं जिन्हें हम आमतौर पर चिप्स ही कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स मीनिंग चिप्स, फ्रेंच फ्राइज चिप्स। इसी तरह पेट्रोल को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं गैस, गैलन में वो गैस डलवाते हैं, गैस दे दें यार मैंने गैस डलवाई है, तो वो बेसिकली पेट्रोल ही डलवा रहे होते हैं, और उसी चीज़ को हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोल, गैस पेट्रोल मीनिंग पेट्रोल। इसी तरह ग्रे कलर को हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे GRAY, ग्रे। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं GREY, ग्रे, वो जो हाकी ग्रे सा कलर होता है ब्लैक एंड वाइट के दरमियान का, ग्रे ग्रे। अच्छा जी, सवाल आया है सर ये जो चाय बुनने वाली इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? असगर नवीद का ये सवाल है। असगर, इसको स्ट्रेनर कहते हैं जी।
स्टेनर। आगे चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। इसी तरह प्राइमरी स्कूल के बाद छठी, सातवीं, आठवीं क्लास को, नौवीं, दसवीं क्लास को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल। और वही चीज़ अगर आप यूके चले जाएं, ब्रिटिश इंग्लिश में कहलाएगा सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। जो छठी से दसवीं तक का स्कूल होता है, और कई दफ़ा हम इस तरह भी यूज़ कर लेते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। हाई स्कूल अमेरिकन इंग्लिश, सेकेंडरी स्कूल ब्रिटिश इंग्लिश। अच्छा जी, जो आपकी गाड़ी के सामने वाला बोनेट होता है, इंजन का ढकना होता है, उसको अमेरिका में कहा जाता है हुड, हुड। हुड को ओपन करो यानी कि इंजन का ढकना उठाओ, ब्रिटिश इंग्लिश में उसे कहते हैं बोनेट, बोनेट। हुड, बोनेट, इंजन के ढकने को कहते हैं। इसी तरह अगर आपको भूख लगी हो तो अमेरिकन इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करेंगे हंग्री, हंग्री। ब्रिटिश इंग्लिश में पैकिश, पैकिश। हंग्री, पैकिश, मीनिंग भूख लगना, भूख लगे होना। आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग पैकिश। इसी तरह जिसे हम कहते हैं लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बना के टिकटें खरीदो, बैंक में लाइन बनाओ, तो अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको लाइन कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को हम क्यू कहते हैं, क्यू, 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 लाइन, क्यू, लाइन और क्यू। मतलब वही कितार या लाइन बनाना जिसे हम बैंक में बनाते हैं या स्कूल में बनाते हैं, और आमतौर पे बहुत से लोग नहीं भी बनाते। इसी तरह जो आपकी मेल आती है, लेटर्स आते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं मेल, मेल। ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को कहा जाता है पोस्ट, जिसे हम कहते हैं पोस्टमैन, मेलमैन, पोस्टमैन। तो बेसिकली ये देख लें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो अमेरिकन इंग्लिश में मेल, ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट, मीनिंग लेटर्स वगैरह जो होते हैं। इसी तरह जो मेन सड़क होती है, जो आपके शहर की मेन रोड होती है, जो बड़ी सड़क होती है, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है मेन स्ट्रीट, जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, फिर महंगी महंगी। और उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं हाई स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट। वो जगह जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं और शहर की प्रोमिनेंट सड़क होती है वो। इसी तरह गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो आपने देखा होगा एक जगह पे हमारे किलोमीटर्स नोट हो रहे होते हैं कि हम इतने किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। उसको अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको कहते हैं मिलोमीटर, मिलोमीटर। क्योंकि ब्रिटिश में आपको पता है कि ब्रिटिश सिस्टम में हम माइल्स यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन सिस्टम में हम किलोमीटर्स से डिस्टेंस को नापते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ, यहाँ पे जिस तरह हमारे देशों में, मुल्कों में है मल्ला, मल्ला है, दस मल्ले का घर है जी, एक कनाल का घर है, जबकि गज़ों में नापा जाता है। अमेरिकन, अमेरिका में उसी चीज़ को हम मीटर्स में नापते हैं, ठीक है जी। और वही चीज़ जो ऑडोमीटर, फासला नापने वाले मीटर को कहते हैं, जो गाड़ियों में लगा होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको हम मिलोमीटर कहते हैं। इसी तरह बू जो होती है, किसी चीज़ की स्मेल जो आ रही होती है, बू,
अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, यानी कि खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है, उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ODOR, ऑर्डर, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में OUR, ऑर्डर। देखें यहाँ पे यू एक्स्ट्रा है, ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में हम लफ्ज़ों के आखिर में, शब्दों के आखिर में यू लगाते हैं, और क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश बाद में बनी है तो उनने जो एक्स्ट्रा उनको वर्ड्स करेक्टर्स लगे वो निकाल दिए, जिस तरह यहाँ से यू निकाल दिया, ऑर्डर, ऑर्डर। बू को कहते हैं, इसी तरह जो बच्चे चूसनी चूसते हैं अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं पेसिफायर, पेसिफायर। ब्रिटिश इंग्लिश में डमी, डमी। पेसिफायर, डमी, मीनिंग चूसनी। इसी तरह जो हम पजामे पहनते हैं रात को सोते हुए, पजामा पहन के सोते हैं, उसको अमेरिकन इंग्लिश में पजामास कहते हैं। स्पेलिंग है PAJAMAS, पजामास। ब्रिटिश इंग्लिश में इसके स्पेलिंग डिफरेंट हैं, PYJAMAS, पजामास। तो यह देख लें, दोनों स्पेलिंग्स अगर आप इंटरनेशनल इंग्लिश में लिखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई अमेरिकन क्लाइंट है तो आप उसको इस तरह लिखें, पजामास। ब्रिटिश क्लाइंट है, पजामास, और मीनिंग है जी पजामा। इसी तरह जो हम पतलूने पहनते हैं, जीन्स की हो या दूसरे कपड़े की हो, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं पैंट्स, पैंट्स, पेयर ऑफ पैंट्स, क्योंकि उसकी दो होती है ना टांगें, इस वजह से पेयर ऑफ पैंट्स कहलाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसे को कहेंगे ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, मीनिंग पतलून। और ये देखें क्यों ये प्लूरल में लिखे हुए हैं, एस आखिर में दोनों के आखिर आ रहा है, क्योंकि ये दो उसके हिस्से होते हैं। हिंदी उर्दू में तो हम सिंपल कहते हैं वो मेरी जीन्स किधर है यार, मेरी पतलून किधर है यार, जबकि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसके साथ एस लगाते हैं क्योंकि वो पेयर होता है, पेयर ऑफ पैंट्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इसी तरह जहाँ पे हम गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, होटलों के बाहर और इधर उधर प्लाजों के बाहर, तो उस पार्किंग एरिया को अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में यही चीज़ कहलाती है कार लॉट, कार लॉट, अपनी गाड़ी कार लॉट में खड़ी कर दो, पार्किंग लॉट, कार लॉट, मीनिंग वो जगह जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। जी तो जो गर्ल्स होती हैं, विमेन होती हैं, वो ब्यूटी पार्लर्स बहुत दफ़ा पार्लर जाती हैं, तो कई दफ़ा आपने सुना होगा, देखा होगा कि पार्लर के स्पेलिंग लिखे होते हैं PARLOR, पार्लर, तो वो अमेरिकन इंग्लिश में लिखे होते हैं पार्लर। कई दफ़ा लिखा होता है PARLOUR, यू एड हुआ होता है, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा होता है पार्लर, 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 मीनिंग पार्लर, जैसा ब्यूटी पार्लर हो गया, आइसक्रीम पार्लर हो गया। अच्छा जी, जिस तरह हम हर सेंटेंस के आखिर में, फ्रेज के आखिर में एक नुक्ता डालते हैं, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, पीरियड, उस डॉट को कहते हैं जो हम सेंटेंस के आखिर में डालते हैं, वही चीज़ ब्रिटिश इंग्लिश में कहलाती है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पीरियड, फुल स्टॉप, मीनिंग नुक्ता, जो आखिर में हम फ्रेज के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में डालते हैं। आजकल तो है फ़ोन बूथ नज़र नहीं आते, ये वो बूथ हुआ करते थे जहाँ पे हम खड़े होकर फ़ोन करते थे, अगर आप लंदन जाते हैं तो आपको वो स्पेशल रेड कलर के फ़ोन बूथ्स नज़र आते हैं, फ़ोन बॉक्सेस, ठीक है जी, वो जो उनके ट्रेडिशनल हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं
एडिनबरा में जाके देख सकते हैं। खैर, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं फोन बूथ, फोन बूथ या फिर टेलीफोन बूथ भी कहलाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को कहते हैं फोन बॉक्स, फोन बॉक्स, क्योंकि वो एक बॉक्स सा होता है उसके अंदर फोन पड़ा होता है। तो अमेरिकन इंग्लिश फोन बूथ, ब्रिटिश इंग्लिश फोन बॉक्स, मीनिंग फोन बूथ जिसे हम आमतौर पर कहते हैं। फोन पे बातें करते हैं। इसी तरह आलू के चिप्स सब हर कोई खाता है, हम उसको कहते हैं यार आलू के चिप्स दे दें यार, तो अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स, जबकि उन्हीं चीज उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्प्स, क्रिस्प्स, पोटैटो चिप्स, क्रिस्प्स, आलू के चिप्स को कहा जाता है। प्रोग्राम को अमेरिकन इंग्लिश में हम लिखते हैं पी आर ओ जी आर ए एम, प्रोग्राम, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में आप प्रोग्राम को इस तरह लिखते हैं पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई, प्रोग्राम, ठीक है जी, प्रोग्राम, प्रोग्राम। तो अगर तो आप आइल्स दे रहे हैं तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे, अगर आप टॉफल वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करें, प्रोग्राम, प्रोग्राम। अच्छा जी, जो बाथरूम होता है, टॉयलेट जिसको कहते हैं, ठीक है जी, उसको अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं रेस्ट रूम या फिर बाथरूम भी कहते हैं, अगर वहाँ पे साथ शावर वगैरह लगाओ, रेस्ट रूम, बाथरूम। ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पे हम उसको कहते हैं लू, लू, रेस्ट रूम, बाथरूम, लू, टॉयलेट को कहते हैं। इसी तरह जो हम शेड्यूल कहते हैं, यार मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है यार, तंग ना कर यार, बहुत शेड्यूल बिजी है, अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं स्केजुअल, स्केजुअल, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम वाला टेबल, समय वाला टेबल, वक्त वाला टेबल, स्केजुअल। कई दफ़ा हम इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं, खासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में, और टाइम टेबल शेड्यूल को कहते हैं। इसी तरह जब हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो ट्रॉली के अंदर चीज़ें रखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रॉली, शॉपिंग ट्रॉली, ट्रॉली, शॉपिंग कार्ट, ट्रॉली, ट्रॉली को कहते हैं जिसके अंदर हम सामान रखते हैं। इसी तरह वो जो आजकल बच्चे टीनेजर्स जूते पहनते हैं जिन जो नीचे से फ्लैट होते हैं, उनको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं स्नीकर्स, स्नीकर्स, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेनर्स, ट्रेनर्स, स्नीकर्स, ट्रेनर्स, जूतों को कहते हैं। इसी तरह जो फुटबॉल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं सॉकर, क्योंकि अगर अमेरिका में आप सॉकर फुटबॉल की बात करें तो वो अमेरिकन फुटबॉल को लेंगे जिसमें वो एक दूसरे को टकरे मारते हैं, बॉल लेके भागते हैं हाथ में, ठीक है जी, और जो पाँव से खेला जाता है उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं सॉकर, ब्रिटिश इंग्लिश और ज़्यादातर यूरोपियन वर्ल्ड और ज़्यादातर वर्ल्ड में इसको फुटबॉल ही कहा जाता है, फुटबॉल, सॉकर, फुटबॉल, मीनिंग फुटबॉल। इसी तरह वो जो बड़ी फैमिली गाड़ी होती है जिसके पीछे जो होती है डिग्गी नहीं होती बल्कि पीछे एक बड़ा सा जगह बनी होती है जिसके पीछे हम चीज़ें रख सकते हैं और रख सकते हैं उसी तरह की चीज़ें, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं स्टेशन वैगन, स्टेशन वैगन।
जबकि उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे स्टेट कार। स्टेट कार खासतौर पे वो जो बड़ी सी स्टेशन वैगन या स्टेट कार होती है जिसमें वो ताबूत लेके नहीं जा रहे होते, उसको कहते हैं स्टेशन वैगन या स्टेट कार। चूल्हे को अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे स्टोव। स्टोव ब्रिटिश इंग्लिश कुकर। कुकर लेकिन अब स्टोव जो है वो मोस्ट कॉमन हो गया है, वो ज़्यादा कॉमन है, मोर कॉमन है इंटरनेशनल इंग्लिश में। स्टोव कुकर चूल्हे को कहते हैं। इसी तरह जो फलियां होती हैं, जो सब्जी सी होती है फलियां, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग बीन। स्ट्रिंग बीन जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको रनर या स्ट्रिंग बीन कहा जा सकता है। रनर या रनर ले आएं, तो ये नहीं है कि आप कोई भागने वाला उठा के ले आएं, आपसे वो कह रहे हैं कि फलियां ले आओ। रनर स्ट्रिंग बीन मीनिंग फलियां। इसी तरह वो जो मेट्रोज होती हैं जो अंडरग्राउंड चलती हैं, ज़मीन के अंदर चलती हैं, उनको अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं सबवे। सबवे जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में लंदन में आप जाएंगे तो आप कहेंगे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड सबवे अंडरग्राउंड मीनिंग वो मेट्रोज जो ज़मीन के अंदर चलती हैं। इसी तरह जो हम दांतों के अंदर ब्रेसेस लगाते हैं दांतों को सीधा करने के लिए, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे सस्पेंडर्स। सस्पेंडर्स जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रेसेस। ब्रेसेस सस्पेंडर्स ब्रेसेस मीनिंग वो चीज़ जो हम दांतों को सीधा करने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट वगैरह लगाते हैं। अच्छा जी, स्वेटर होता है जो हम सर्दियों में पहनते हैं, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं स्वेटर। स्वेटर जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसी चीज़ को कहा जाता है जंपर या पुलओवर। जंपर पुलओवर तो स्वेटर अमेरिकन इंग्लिश, जंपर पुलओवर ब्रिटिश इंग्लिश मीनिंग स्वेटर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेक आउट। जिस हम होटल में जाते हैं जो खाना बच्चा आता है, या फिर हम कहते हैं कि यार ये जो होटल में जाके आप कहते हैं यार खाना पैक कर दो मैंने लेके जाना है, तो उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे टेक आउट। टेक आउट उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टेक अवे। सर यहाँ बैठ के खाएंगे या टेक अवे है? टेक अवे। टेक आउट अमेरिकन इंग्लिश, टेक अवे ब्रिटिश इंग्लिश मीनिंग पैक करके लेके जाना। इसी तरह वो जो थिएटर होता है, थिएटर जहाँ पे हम ड्रामे श्रामे देखते हैं, या फिल्म थिएटर थिएटर्स भी होते हैं, मूवी थिएटर, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं थिएटर। स्पेलिंग होते हैं टी एच ई ए टी ई आर थिएटर। ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, थिएटर टी एच ई ए टी आर ई थिएटर। तो ये भी डिफरेंस याद रख लें कि आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में ई आखिर में आता है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ई आखिरी वर्ड से पहले आ जाता है। थिएटर थिएटर। अच्छा जी, पुष पंद्रह कुमार एंड आमना अली, थैंक यू वेरी मच जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आगे चलते हैं जी। वो जो रद्दी की टोकरी होती है जिसमें हम गन फेंकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्रैश कैन। ट्रैश कैन ये चीज़ ट्रैश कैन में फेंक दो।
उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है बिन। बिन रद्दी की टोकरी, ये कागज़ बिन में फेंक दो, उसी से निकला डस्टबिन। ट्रैश कैन, बिन रद्दी की टोकरी को कहते हैं, गंद के ड्रम को कहते हैं। अच्छा जी, जो ट्रक होता है, जो छोटा ट्रक होता है, उसको अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक कहते हैं। ट्रक ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी, लॉरी या वो लॉरी ड्राइवर है, लॉरी जिसको हम कहते हैं, लॉरी अड्डा, उसी से निकला है। अब ये देख लें कि जो पुराने हमारे शहर हैं उनमें हम लॉरी अड्डा कहते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, लॉरीज कहते थे वो लॉरी। ठीक है जी, अमेरिकन इंग्लिश ट्रक, ब्रिटिश इंग्लिश लॉरी, मीनिंग ट्रक। इसी तरह जो गाड़ी की डिग्गी होती है, पीछे वाली साइड पे डिग्गी होती है जिसमें बैग शैग रखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहा जाता है ट्रंक, ट्रंक। ब्रिटिश इंग्लिश में बूट, बूट, ये चीज़ गाड़ी के बूट में रख दो। तो अगर हमें पता ना हो कि यार बूट तो डिग्गी को कहते हैं, तो हम सोचते रहेंगे कि कहाँ रखना है। तो ट्रंक अमेरिकन इंग्लिश, बूट ब्रिटिश इंग्लिश, मीनिंग डिग्गी। इसी तरह टीवी या टेलीविज़न को अमेरिकन इंग्लिश में हम टीवी या टेलीविज़न कहते हैं, टेलीविज़न। ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पर कहते हैं यार टेली, टेली ऑन कर दे यार टीवी को, टेली। टीवी, टेलीविज़न या फिर टेली, टेलीविज़न को कहते हैं, टीवी को कहते हैं। अच्छा जी, जो आप नीचे बनियान पहनते हैं शर्ट के नीचे, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं अंडर शर्ट। शर्ट के अंदर, शर्ट के नीचे, अंडर शर्ट। और उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। ठीक है जी, वेस्ट। अब यहाँ पे वेस्ट अमेरिकन इंग्लिश में किसी और चीज़ को कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अंडर शर्ट और वेस्ट बुनियान को कहा जाता है। इसी तरह जो अंडरवियर होता है, ज़ेरे जामा, उसको अमेरिकन इंग्लिश में तो हम कहते हैं अंडरवियर, नीचे पहनने वाला कपड़ा, अंडरवियर। ब्रिटिश इंग्लिश में उसी को कहते हैं पैंट्स, पैंटीज या पैंट्स। अंडरवियर, पैंट्स, पैंटीज, नीचे पहनने वाले कपड़े को कहते हैं। चड्डी को कहते हैं चड्डी, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे। अच्छा जी, अमेरिकन इंग्लिश में हमारे पास है वेकेशन, जिसमें छुट्टियों को वेकेशन कहते हैं। आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस, मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। जबकि उसी चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं हॉलीडे, आई एम गोइंग फॉर हॉलीडेज, हॉलीडे। वेकेशन, हॉलीडे, छुट्टियों को कहते हैं जी। अब आ गया वेस्ट। देखें अमेरिकन इंग्लिश में जो वास्केट होती है, जो हम कोट के नीचे वास्केट पहनते हैं या शलवार कमीज के साथ वास्केट पहनते हैं, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे वेस्ट, वेस्ट। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको वेस्ट कोट कहते हैं, छोटा कोट जो होता है, जो थ्री पीस सूट्स होते हैं उसमें पैंट होती है, पैंट्स, फिर एक बड़ा कोट होता है, और नीचे जो एक थ्री पीस सूट में छोटा कोट पहना होता है, वेस्ट कोट, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे वेस्ट, ब्रिटिश इंग्लिश में वेस्ट कोट। ये जिसको हम आमतौर पे वास्केट कहते हैं। इसी तरह जो आपकी गाड़ी के सामने वाली शील्ड होती है, शीशा होता है, उसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं विंडशील्ड। सामने वाला गाड़ी का शीशा, बड़ा जो होता है जिसे हम आगे देखते हैं, वो कहलाता है विंडशील्ड। उसी चीज़ को हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे विंड स्क्रीन, विंडशील्ड, विंड स्क्रीन। जो लेटर ये लिखा हुआ है, लास्ट लेटर जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहेंगे जी, जी, जिसमें जी टीवी बहुत मशहूर टीवी है चैनल। ब्रिटिश इंग्लिश में उसी को कहेंगे जेड, जेड। जो लेटर जी होता है या जेड होता है, उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में जी कहेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में जेड कहेंगे।
इसी तरह जो तोरी होती है, जिस सब्जी जिसे हम खाते हैं तरकारी, उसको अमेरिकन इंग्लिश में आम तौर पे कहा जाता है जुकीनी, जुकीनी, जबकि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्रूजेट, क्रूजेट, जुकीनी, क्रूजेट, तोरी, तोरी को कहते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, अब मैं पूरे का पूरा लेसन जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग देखते जाएं कि ये जो ब्लू में है ये अमेरिकन इंग्लिश है, जो जामनी में है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। एयरप्लेन, एरोप्लेन मीनिंग हवाई जहाज, अपार्टमेंट, फ्लैट मीनिंग फ्लैट, अपार्टमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैटों की बिल्डिंग अपार्टमेंट की बिल्डिंग, अपोलोजाइज जेड के साथ, अपोलोजाइज एस के साथ मीनिंग क्षमा मांगना, माजरत करना, एटीएम कैश पॉइंट मीनिंग एटीएम, जिसे हम कहते हैं ऑटो टेलर मशीन, और आमतौर पे गलती से हम उसको कहते हैं एटीएम मशीन, जबकि एम से बनता ही मशीन है जी। बेबी कैरेज, स्ट्रॉलर, प्रैम बच्चे की गाड़ी को कहते हैं, जिसे हम पुश करते हैं, पुश चेयर भी इसको कहा जाता है। बेक्ड पोटैटो, जैक्ड, जैकेट पोटैटो भुने हुए आलू को कहते हैं। कैंडी, स्वीट्स गोलियों को कहते हैं जो बच्चे खाते हैं, टॉफियां, गोलियां। सेल फोन, मोबाइल फोन मीनिंग सेल फोन। चेक, सी एच ई सी के चेक, सी एच ई क्यू यू ई चेक, उस चेक को कहते हैं जो हम बैंक में जाके जमा कराते हैं या कोई हमें देता है। क्लोजेट, वार्डरोब अलमारी को कहते हैं। कलर, सी ओ एल ओ आर के साथ, सी ओ एल ओ यू आर कलर रंग को कहते हैं। कुकी, क्रैकर, बिस्किट बिस्कुट को कहते हैं। कॉर्न, मेज मकई को कहते हैं। कॉटन स्वैब, कॉटन बर्ड कान साफ करने वाली तीली को कहते हैं। डार्क चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट उस चॉकलेट को कहते हैं जिसमें कोका पाउडर बहुत ज़्यादा हो। डायपर, नैपी बच्चे के डायपर को कहते हैं। ड्रग स्टोर, फार्मेसी केमिस्ट दवाओं वाली दुकान को कहते हैं। एग प्लांट, ऑबजीन बैंगन। एलिवेटर, लिफ्ट मीनिंग लिफ्ट। रेजर, रबर मीनिंग रबड़। फ्लैशलाइट, टॉर्च मीनिंग टॉर्च। फ्रेंच फ्राइज, चिप्स मीनिंग आलू के चिप्स। गैस, पेट्रोल मीनिंग पेट्रोल। जी आर ए वाई ग्रे, जी आर ई वाई ग्रे काले और सफ़ेद को जब मिलाएं तो वो ग्रे कलर बन जाता है। हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल को कहते हैं। हुड, बोनेट इंजन का जो सामने बड़ा ढक्कन होता है उसको कहते हैं। हंग्री, पैकेश हल्की फुल्की भूख में
भूख को कहते हैं? लाइन क्यू, कितार को कहते हैं लाइन बनाओ लाइन बनाओ लाइन बनाओ, लेकिन कोई नहीं लाइन बनाता। मेल पोस्ट, मेल को कहते हैं जो कि लेटर्स होते हैं और इस तरह के चीज़ें आती हैं हमें मेल के थ्रू। मेन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, उस मेन सड़क को कहते हैं शहर की जहाँ पर बड़े बड़े महंगे महंगे स्टोर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। ऑडोमीटर मिलोमीटर, गाड़ी के अंदर उस मीटर को कहते हैं जिससे हमें किलोमीटर्स के बारे में पता चलता है। ऑर्डर ऑर्डर, ओ डी ओ आर ओ डी ओ यू आर, ऑर्डर फू को कहते हैं। पेसिफायर डमी, और या इसको डुमी भी कहते हैं कुछ जगहों पे, चूसनी को कहते हैं। पजामास पजामास, अमेरिकन इंग्लिश में पी ए जे ए एम एस, ब्रिटिश इंग्लिश में पी वाई जे ए एम एस, पजामों को कहते हैं, पजामा को। अब इसको भी एस आखिर में इसलिए लगता है क्योंकि ये पेयर होता है, दो टांगों होती हैं जिसके अंदर हम घुसाते हैं, तो इस वजह से एक ही पजामे को वो पजामास कहते हैं। पैंट्स ट्राउजर्स, पतलून को कहा जाता है। पार्किंग लॉट कार लॉट, पार्किंग वाले जगह को कहते हैं। पी ए आर एल ओ आर पार्लर, अमेरिकन इंग्लिश। पी ए आर एल ओ यू आर पार्लर, ब्रिटिश इंग्लिश पार्लर को कहते हैं। पीरियड फुल स्टॉप, सेंटेंस के आखिर में जो हम नुक्ता डालते हैं उसको कहते हैं। फोन बूथ फोन बॉक्स, फोन वाले कमरे को कहते हैं। पोटैटो चिप्स क्रिस्प, आलू के चिप्स को कहते हैं। पी आर ओ जी आर ए एम प्रोग्राम, अमेरिकन इंग्लिश में पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई प्रोग्राम, ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोग्राम को कहते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी इसी तरह लिखेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अब हम ज़्यादातर पी आर ओ जी आर ए एम ई यूज़ करते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश में। रेस्ट रूम बाथरूम, लू टॉयलेट को कहते हैं, टॉयलेट को। स्केड्यूल टाइम टेबल, शेड्यूल को कहते हैं। शॉपिंग कार्ट ट्रॉली, शॉपिंग वाली ट्रॉली को कहते हैं। स्नीकर्स ट्रेनर्स, वो जूते होते हैं जो नीचे से फ्लैट होते हैं और ज़्यादातर टीनेजर्स आजकल पहनते हैं जी, जीन्स के नीचे पतली पतली जीन्स पहनी होती हैं और नीचे सफ़ेद कलर के जो जूते पहने होते हैं उनको स्नीकर्स या ट्रेनर्स कहते हैं। सॉकर फुटबॉल, फुटबॉल की गेम को कहते हैं। स्टेशन वैगन स्टेट कार, उस बड़ी गाड़ी को कहते हैं जिसके पीछे डिग्गी नहीं होती। स्टोव कुकर, चूल्हे को कहते हैं जिसके ऊपर चीज़ें पकाते हैं हम। स्ट्रिंग बीन रनर, स्ट्रिंग बीन फलियों को कहते हैं, सब्जी जो होती है। सबवे अंडरग्राउंड, सबवे को कहते हैं मेट्रो को जो कि ज़मीन के अंदर चलती है।
सस्पेंडर्स, ब्रेसेस, जो दांतों को सीधा करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं उनको कहते हैं, स्वेटर, जंपर, पुलओवर, स्वेटर को कहते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, आ गई हैं जी सर्दियां अब, टेक आउट, टेक अवे, भोजन या खाना पैक करा के बाहर ले जाने को कहते हैं, थिएटर, THEATER, थिएटर, अमेरिकन इंग्लिश में THEATRE, थिएटर, ब्रिटिश इंग्लिश में थिएटर को कहते हैं जिसमें ड्रामे शामिल लगते हैं, मूवी थिएटर, ट्रैश कैन, बिन, गंद वाली टोकरी को कहते हैं, ट्रक, लॉरी, ट्रक को कहा जाता है, ट्रंक, बूट, यहाँ पर गाड़ी की डिग्गी के लिए यूज हुआ है, टीवी, टेलीविजन, टेली, टेलीविजन को कहते हैं, अंडरशर्ट, वेस्ट, बुनियान को कहते हैं जो हम शर्ट के नीचे पहनते हैं, अंडरवेयर, पैंट्स, पैंटीज, जेरे जामा को कहते हैं, वेकेशन, हॉलीडे, छुट्टियों को कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट कोट, वास्केट को कहते हैं, विंडशील्ड, विंडस्क्रीन, गाड़ी के सामने जो शीशा होता है बड़े वाला उसको कहते हैं जो विंड से हमें बचाता है, जी, जेड, लेटर जी या जेड को कहते हैं, जुकीनी, क्रूजेट, तोरी को कहते हैं। तो गाइज एंड गर्ल्स, अगर कोई आपका सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सवालात पूछने के लिए आप ifactner.com पे भी जा सकते हैं या फिर facebook.com/ifactner पे जाके भी आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वो जो घंटी का आइकॉन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चल जाए और आप मेरे साथ लाइव सेशंस में ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।